घर घर उदारत है, इंदिरा आवास है, हमारा आदमी पाए रहा है, वो के घर उदारत है, सीवी लगाए के कुछ खनवावत है, पिलर गड़वावत है। मैं आया था साहब कि हमारे घर पे बुलडोजर चला जा रहा था साहब, अवैध नहीं था, हरिजन की जमीन है, हरिजन है हम साहब। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई बहुत तेजी से हुई और चर्चा भी खूब रहा। सरकार के लोग कहते थे कि बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हुए थे, कुछ बाइट के लिए आए हुए थे, तो हमें कुछ लोग दिखाई दिए। इनसे हम बात किए तो उन्होंने बताया कि इनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। पूरी बात इन्हीं से पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार अधिकार है साहब। कहाँ से हैं आप? हम कुराव से हैं, नथौपुर सिगरों से, हमारा प्रयागराज जिला लगता है साहब। क्या क्या लेकर आए अखिलेश यादव से मिलने के लिए? मैं आया था साहब कि हमारे घर पे बुलडोजर चला जा रहा था साहब, मैं समस्या लेके आया था भैया के पास समस्या लेके आया था कि भैया, लेकिन मिले नहीं भैया, तो बोले तो हम लोग चल दिए साहब। किस लिए बुलडोजर चलाया जा रहा? अवैध कब्जा किए थे क्या? अवैध नहीं था, हरिजन की जमीन है, हरिजन है हम साहब। अच्छा, हरिजन की जमीन में इंदिरा आवास कॉलोनी बनी हुई है साहब जी, और उसको गिराया जा रहा है साहब। हाँ साहब, हमारी कॉलोनी गिराया जा रहा है। कौन आया था बुलडोजर लेकर के गिराने की बात कर? डिप्टी मिश्रा, वो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं कुराव के साहब, उन्होंने जबरदस्ती दमंगई से गिरा रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव के पास क्यों आए थे? आए थे कि अपना समस्या लेके, कह रहे हमारा समस्या कोई हल। सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है, आपको जनता दरबार में जाना चाहिए। उम्मीद अखिलेश यादव से? वो ठीक नहीं, सही है साहब, लेकिन हमारे अखिलेश भैया सही है, थोड़ा बहुत मदद मिलता है इसलिए आया हूँ। हाँ, मायावती के पास नहीं गए? नहीं गए अभी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार अधिकार। क्या कहेंगे आप, आए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने के लिए? हाँ सर, आए हैं, लेकिन हम लोगों का घर उजारा जा रहा है, बुलडोजर लगा दिया गया है वहाँ पे, हम लोग का कहीं नहीं सुनाई हो रही है। पूरा थाने पे जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं सुनाई हो रहा है, इलाहाबाद जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं सुनाई हो रहा है। हमारे साथ एक माता जी हैं, माता जी क्या कहेंगे? हम यही कह साहब के आपके लगे हम आई है, हमार घर उदारत है, इंदिरा आवास है, हमारा आदमी पाए रहा है, वो के घर उदारत है, सीवी लगाए के कुछ खनवावत है, पिलर गड़वावत है, यही करत है। बुलडोजर आई थी घर पे? हाँ, घर पर। अब वही आइन बना, आइन नबा। देखिए, प्रदेश सरकार दावा करती है कि हम माफियाओं पर, भू माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं। हमारे साथ ये तीन लोग हैं, आप देखिए एक बार चेहरा देखिए, आपको लग रहा है क्या ये लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, भू माफिया हैं? क्या कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के पास कब जा रहे हैं फिर मिलने के लिए? अब क्या तो उन्हीं की है सरकार है, लेकिन कोई सुनाई नहीं, और इनकी सरकार में तो कहाँ जाएंगे उनके पास हम साहब, उनके पास हम कहाँ जाएंगे, उनका कोई फायदा ही नहीं है। क्या फायदा है, कोई सुन नहीं रहा है तो क्या करेंगे? आपका कोई अपराधी इतिहास रहा क्या बुलडोजर जो आया हुआ? नहीं सर, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। योगी और उनके मंत्री कहते हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही, बुलडोजर चल रहा है। नहीं, हम लोग कोई अपराध बड़े बड़े करते हैं, हम लोग कोई अपराध नहीं किए साहब, पता लगा दिया जाए, हमारे लोग का कोई अपराध नहीं है। देखिए, माता जी हैं हमारे साथ, और आप चेहरा देखिए, क्या आपको लग रहा है, तीनों लोगों का चेहरा देख कर लग रहा है कि ये भू माफिया हैं, कोई अवैध जमीन कब्जा किए होंगे? अगर मान लीजिए कोई अवैध जमीन कब्जा भी हो, इनका घर तोड़ा जाए, तो इनको कहीं ना कहीं कुछ अस्थाई रहने का दिया जाए, जो इनका परिवार रह सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।